the project? What are the projects? First, look, introduction. Yes, sir. Introduction is Hindi. Yeah. Yeah. मेरा नाम है सरीश, मैं फिल्म का प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हूँ. फिल्म का नाम है गिनके 10, एक थ्रिलर है जो 1991 में सेट है. एक दिन की कहानी है 24 आवर्स की, जो सुबह स्टार्ट होते हैं और नेक्स्ट डे सुबह फिनिश होते हैं. टॉकिंग अबाउट द कास्ट एंड क्रू, उसके बारे में बताइए कि आर दे ऑल, मतलब पहले से एक्सपीरियंस है कि नए कास्ट एंड क्रू अपने का? मोस्टली नए कास्ट है, बट कुछ कुछ काम किया हुआ है कास्ट ने भी, छोटा मोटा काम किया है. कुछ नोन फेसेस नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा काम किया कास्ट ने. सब सब सारे कास्ट को क्या बोलते हैं यार, उसको जो ये होता है एक्ट्रेस को लेते हैं ना, कास्टिंग. हाँ, कास्टिंग के साथ ऑडिशन, ऑडिशन का सारे एक्टर को ऑडिशन करके ही लिया गया है. तो एवरीबॉडी इज क्या बोलते हैं वर्ड में, बोलो इंग्लिश में, बोलो मिक्स करके बोलो. आप इंग्लिश कर सकते हैं? हाँ, मैं वही वर्ड ढूंढता हूँ सर, दोनों में. वर्कशॉप किया, उनका ट्रेनिंग हुआ? हाँ, सारे एक्टर्स का वर्कशॉप भी किया है हमने. दो महीना वर्कशॉप किया था फिल्म का. जैसे रिहर्सल था तो सारे एक्टर को अपना कैरेक्टर बताया गया था, सबने अपना सीन्स रिहर्स किया गया था, और सब सारे क्रू और कास्ट तैयार थे. उसके बाद ही हम शूटिंग के लिए गए. 30 दिन शूटिंग किया फिल्म का, और पोस्ट प्रोडक्शन लगा ऑलमोस्ट 1 ईयर. एंड अब रिलीज कर. मेरा नाम है अमजद अली, मैं राइटर हूँ, लेकिन इस फिल्म में मुझे हिंदी डायलॉग के लिए शरीश ने बुलाया. एक थ्रिलर है, थ्रिलर तो मेरा पैशन है. मतलब हम लोग तो मतलब ऑलमोस्ट एक साथ हम लोगों ने बॉम्बे में कैरियर शुरू किया था. तो इसमें खास बात क्या थी, जब सरीश ने मुझे कहानी सुनाई तो ज़्यादा तो मैं रिवील नहीं करूँगा. आपने आप ट्रेलर तो देख ही रहे. इसमें क्या था, एक 90s का बैकड्रॉप इन्होंने बोला कि रखते हैं हम लोग, जब मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है. मतलब कमाल क्या, वहाँ जो हमारी जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो था, हमारा जो हमारा देश का जो 90s में बहुत अनस्टेबल था, कर्जे हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, उस समय में इन्होंने एक कहानी सेट की. एक थ्रिलर बनाते हैं, कहानी बहुत अच्छी लगी और एक चैलेंजिंग था मेरे लिए. डायलॉग्स में क्या था कि शरीफ के साथ तो जब आप काम करेंगे पता चलेगा ये है ना है ना, कि बहुत कमाल का लगा. और डायलॉग्स लिखे, चैलेंजिंग हुआ, लेकिन आप जब फिल्म देखेंगे तो मजा आएगा. सर, योर करियर एज अ प्रोड्यूसर, हाउ डिड यू स्टार्टेड आउट एंड व्हाट वर द इनिशियल थिंग? इज योर डेब्यूट एज अ प्रोड्यूसर और इनिशियली यू हैव सम? नो, आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर 20 इयर्स. तो मैं पहले असिस्ट किया है, बहुत साल पहले एड फिल्म में किया था. काफ़ी सारा शॉर्ट फिल्म भी बनाया हूँ मैंने. एक फीचर फिल्म बनाया था 15 इयर्स अगो कॉल्ड द इम्पॉसिबल मर्डर, जो रिलीज़ नहीं कर पाया, पर यूट्यूब में है और 30 लाख व्यूज़ है उसके. तो 15 साल के बाद मैं अभी सेकेंड फिल्म बना रहा हूँ जो प्रॉपरली रिलीज़ हो रही है. अभी गिनके 10 विल बी रिलीज इन थिएटर्स. 15 मार्च को रिलीज़ हो रही है इन मोस्टली इन द हिंदी स्पीकिंग बेल्ट. हम अभी भी देख रहे हैं कि कितने स्क्रीन्स में रिलीज हो. बट द कंटेंट इज क्वाइट सेंसुअल और वायलेंट, दोनों है, मतलब सेंसुअल भी है वायलेंट भी है, तो सर्टिफिकेशन इश्यूज कितना? नहीं, एक्चुअली अपना फिल्म बहुत क्लीन है इन दैट वे. कोई न्यूडिटी नहीं है, कोई ऐसा सीन्स भी नहीं है, सेंसुअल सीन्स भी नहीं है, और वायलेंस भी इतना क्लियरली नहीं दिखाया गया है. प्लस कोई वल्गैरिटी भी नहीं है, कोई बैड वर्ड्स भी नहीं है फिल्म में. बेसिकली वेरी क्लीन फिल्म है. मेरा ये मकसद था कि जो फिल्म मैं देख के बड़ा हुआ हूँ 90s में 80s 90s में, जो क्लीन फिल्में होते थे बॉलीवुड के विद क्लीन डायलॉग, क्लियर डायलॉग, तो मुझे वो रिक्रिएट करना था, एंड ये मेरा मकसद था. तो ये जो लीड कैरेक्टर है वो स्प्लिट पर्सनालिटीज को शोकेस कर रहा, क्या मतलब प्रोजेक्ट का क्या थीम है, पर्टिकुलरली क्या शोकेस करना चाहते हैं? बेसिकली प्रोजेक्ट एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी है जो डिसेप्शन पे बेस्ड है. लाइक हम जो देख रहे हैं वो एक्चुअली हो नहीं रहा है, कुछ और हो रहा है, और एज ह्यूमंस हम बहुत बार धोखा खाते हैं. तो एक क्लास स्ट्रगल हो रहा है इस फिल्म में. बेसिकली जो शहर के लोग हैं और जो गांव के लोग हैं उनके बीच में एक क्लास स्ट्रगल होता है. तो जब शहर के लोग आते हैं गांव में तो उनका एक परसेप्शन रहता है कि गांव के लोग उनको कुछ आता नहीं है, अनपढ़ है, मे बी वॉट एवर इट इज़ नॉलेज, हम बेटर है. पर ये एक्चुअली रॉन्ग है, इट्स नॉट करेक्ट. एंड ये फिल्म से वो पता थोड़ा चीज़ें बाहर आ जाते हैं, समझ में आ जाते हैं, बट इट इज़ नॉट क्लियर फिल्म में, क्योंकि बेसिकली थ्रिलर ही रखा गया फिल्म को. ज़्यादा मॉरेलिटी वो उस पर नहीं जा रहा था. 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई मीन इन
जो पहली फिल्म के बाद मैंने क्या किया कि पैसे ख़त्म हो गए थे फिल्म रिलीज़ करने के चक्कर में, एंड रिलीज़ नहीं कर पाया क्योंकि स्टार्स नहीं थे, गाने नहीं थे उस टाइम पे, गाने भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, एंड कहीं रिलीज़ नहीं कर पाया, तो आई हैड टू डू सम वर्क, आइदर इंडस्ट्री छोड़ के जाना था और कुछ जॉब करना था या कुछ फिल्म रिलेटेड करना था, तो मैं सिखाना शुरू कर दिया, एक्चुअली ब्लॉग राइटिंग शुरू कर दिया। तो मेरा एक चैनल है यूट्यूब में वुल्फ क्रो, जहाँ पे मैं फिल्म एनालिसिस और कोर्सेज करता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ सिनेमेटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग, तो काफ़ी पॉपुलर है एक्चुअली, ऑलमोस्ट 4 लाख सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे। मेरा एक ब्लॉग है wolfcrow.com के वेबसाइट पे, वो भी काफ़ी पॉपुलर है, मतलब ज़्यादातर फिल्म सिनेमेटोग्राफी फील्ड में आप किसी को भी पूछोगे तो वुल्फ क्रो ब्रांड थोड़ा नोन ब्रांड है एजुकेशन के मामले में। तो ये कर करके, सॉरी जस्ट टू फिनिश, ये कर करके कोर्सेज में सेल करा तो पैसे बनाते हैं, तो हर साल मैं कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट शूट करता ही रहता हूँ ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो करते करते लॉकडाउन में थोड़ा पैसे बच गए, तो मैं चलो 2 साल पैसे बच गए, अभी फीचर फिल्म बनाते हैं, तो बना लिया है। बड़े प्रोडक्शन हाउस को तो मान लीजिए कॉर्पोरेट का सपोर्ट रहता है, आप इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर हैं, मतलब फाइनेंशियली जो होता है सपोर्ट वो कहाँ से लाते हैं, कैसे क्या? सर मैंने बिजनेस ने ही फंड किया फिल्म को, बिकॉज जो फिल्म बनाता हूँ उसको कोर्सेज करके मैं सेल करता हूँ, तो उसमें फंडिंग आ जाता है। एक्चुअली मेरे हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बी अ फिल्म मेकर, क्योंकि बहुत सारे एवेन्यूज़ है अपना स्टोरीज बताने के लिए फिल्म मेकर्स को, कुछ नहीं है तो यूट्यूब तो है ही, एंड यूट्यूब इज स्टिल अ वेरी बिग OTT प्लेटफॉर्म, प्रॉब्ली वर्ल्ड का सब सेकेंड बिगेस्ट है आई थिंक इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो ऐसा नहीं है कि आपका स्टोरी किसी को किसी तक पहुंचा नहीं पहुंचेगा। मैंने एक चीज़ नोटिस किया, मेरे फिल्म इम्पॉसिबल मर्डर में बहुत कम बजट में बनाया था, 15 साल पहले यूट्यूब में डाल दिया, जब यूट्यूब में कोई कुछ कर नहीं रहा था 2010 में, और ऑटोमेटिकली उसको 30 मिलियन व्यूज़ भी आ गए, और फिल्म भी इतना अच्छा नहीं है, बट आप अगर उसके कमेंट्स देखोगे और उसके लाइक्स डिसलाइक्स देखोगे तो मैं भी हैरान हो गया कि काफ़ी सारे लोग हैं जो देखना चाहते हैं ऐसी फिल्में, तो इट इज़ एन यू नो मोटिवेशन है एक तरह से। ओके, सो माय नेम इज़ अक्षय रवि एंड आई एम एन एक्टर एंड ऑल्सो अ स्क्रीन राइटर। सो अबाउट दिस प्रोजेक्ट आई गॉट टू नो थ्रू एन ऑडिशन विच वॉज कंडक्टेड, और वो ऑडिशन कोविड का जो ओमिक्रॉन फेज चल रहा था उसके बाद फर्स्ट लाइव ऑडिशन, वरना तो सब क्या घर से ही मांगते हैं, तो ये एक ऑडिशन चल रहा था तो उसके लिए मैं चला गया, और फिर ऑडिशन दिया, और एक आई थिंक 10 दिन के बाद कॉल बैक आया कि वी हैव लाइक्ड यू फ्रॉम द ऑडिशन, तो फिर वहाँ से फिर वर्कशॉप, फिर स्क्रिप्ट पता चला, और फिर इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट हो गया। ओके, मेरा नाम अनिका आर्या है, मैं बेसिकली लखनऊ से हूँ। सो यहाँ पर एक्चुअली मैं इस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड ऐसे हुई बिकॉज आई वर्कड विद द डायरेक्टर मिस्टर सरीस पहले एक प्रोजेक्ट पे, तो हमने एक यूट्यूब चैनल का काम किया था, सो वी गॉट टू नो ईच अदर फ्रॉम देयर, तो वहाँ से वी गॉट टू नो, फिर मैंने ऑडिशन दिया, देन आई केम फॉर द मूवी, आई गॉट सेलेक्टेड। हमारा वर्कशॉप था 2 महीने का, बहुत ही रिग्रेसिव, हमने पूरा एक एक कैरेक्टर को पढ़ा है, एक एक उसको पूरा हर सीन को समझा है, हर सीन को पहले रिहर्स किया, तब जाकर हम कैमरा के सामने आए हैं, सो इट वाज अ वेरी नाइस लर्निंग, अच्छा एक्सपीरियंस था। स्टार्टिंग योर करियर एज एन आर्टिस्ट, हाउ यू स्टार्टेड आउट, योर स्ट्रगल्स एंड योर पास्ट, यू नो। ओके, सो माय बैकग्राउंड तो इज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, लाइक मैंने एजुकेशन उसमें किया था, बट स्कूल वूल में थिएटर वियटर प्रॉपर थिएटर प्रैक्टिशनर के अंडर मैंने थिएटर किया हुआ था, तो वो तो था मन में कि मुझे आर्ट्स फील्ड में जाना है, बट सिंस आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो पहले लगा एजुकेशन से पूरा कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा काम किया फार्मा इंडस्ट्री में, देन मैं कहानियाँ लिखता था छोटा मोटा, फिर वो बहुत सीरियस हो गया कि नो आई हैव टू टेक अ लीप, एंड तो फिर मैंने सोचा, और एक्टिंग का तो मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस स्टेज का था थिएटर का, तो मुझे लगा वहाँ से शुरू करते हैं फिर देखते कहाँ चलेंगे, तो थिएटर मैंने पहले ज्वाइन किया, मतलब अपने फार्मा का जॉब वगैरह छोड़ के,
और प्लेस करता था। फिर इस ऑडिशन के बारे में पता चला, फिर ये मूवी मिल गई, फिर वहाँ से फिर और फिर तब कोविड चल रहा था, तो ऑडिशंस वरंट वेरी न्यू हो गया था प्रोसेस। तो इस फिल्म की शूट के बाद ही मैंने प्रॉपरली ऑडिशन देना, सेल्फ टेप बनाना, कास्टिंग हाउसेस जाना, वो फुल प्रोसेस लर्न करना मैंने शुरू किया। फिर मैंने एड फिल्म्स किए हैं, फिर कुछ फीचर फिल्म में भी काम किया है, एंड थिएटर तो चल ही रहा है। लाइक दो डिफरेंट थिएटर ग्रुप के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ अभी तक, और साइमल्टेनियसली मैं राइटिंग भी करता हूँ और ऑडिशन अभी भी दे रहा हूँ। सो कुछ होगा जरूर। मैं वैसे, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैं एक इंजीनियर हूँ, फिर मैंने पोस्ट ग्रेड किया है निफ्ट दिल्ली से, तो मैं एकेडमिकली थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइन थी पहले, बट ये इंडस्ट्री ऐसे ही आपका अट्रैक्ट कर ही देती है कहीं ना कहीं से, बिकॉज इट्स जस्ट इंट्रीगिंग कि कैसे काम होता है, क्या होता है। तो आई जस्ट थॉट ऑफ कि मैं एक बार आती हूँ मुंबई, आई विल जस्ट सी कि कैसे होता है, मेरे को अपनाता है कि नहीं अपनाता है। देन आई डिड अ कोर्स ऑल्सो, आई इन्जॉयड द कोर्स, एक्टिंग कोर्स, तो मुझे तब पता चला कि नहीं, मुझे मज़ा आता है काम करने में या फिर कैमरे के सामने एक्ट करने में, तो फिर मुझे थोड़ा सा परस्यू करना चाहिए, एंड आई शुड एटलीस्ट ट्राई, इफ नॉट सक्सीड बट एटलीस्ट ट्राई। तो फिर तब उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऑडिशन स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा काम मिला, तो उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे और मैं आपके सामने हूँ अभी। अभी तो ऑडिशंस तो चल रहे हैं और थिएटर में मैं काम तो कर रहा हूँ, मतलब प्लेस के शोज चलते रहते हैं। उसके अलावा तो वही बहुत फिल्म्स, वेब सीरीज़ वाला वर्ल्ड एंटर करना है, तो उसके लिए अभी एड फिल्म्स तो मैंने कर रखे हैं, तो उसके थ्रू आई होप कि, और ये फिल्म के थ्रू भी मे बी काम वाम अच्छा लगे, आई एम श्योर लगेगा, तो उससे आगे और एक्टिंग में और अच्छे मज़ेदार रोल्स करने में। सी दिस इज़ अ ऑन गोइंग जर्नी, सो आई एम ऑडिशनिंग अभी भी, तो एड्स हैं लाइंड अप थोड़े से, बट अभी प्रॉपर इज दिस ओनली फिल्म जो हमारा अभी मेन फोकस है, बट लेटर इन द फ्यूचर आई माइट डू समथिंग और इसके आगे, बट या इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस, सो ऑन इट। थैंक यू सर। स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन एंड अबाउट योर एसोसिएशन विद द प्रोजेक्ट। माय नेम इज ज़ाहिद खान। I again learned through about this project from the auditions that were going on. So I'm basically from Delhi. I moved to Mumbai in 2020. So I used to do theatre previously. I was with NSD. I did a play there, Saiya Bhai Kotwal, and a couple of more plays in Delhi itself. उसके बाद मुंबई 2020 में आने के बाद फिर आपको पता लॉकडाउन हो गया, दोबारा लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था यहाँ पे, बट एक स्ट्रगल था एंड वी हैड स्टार्टेड, आई गॉट एसोसिएटेड विद एन एक्टिंग स्कूल एंड वहाँ पर भी कुछ टाइम स्पेंड किया जस्ट टू रिफ्रेश माई सेल्फ वंस अगेन। और उसके बाद फिर ये अपॉर्चुनिटी आई, फिर हमने कहानी सुनी, हमने ऑडिशन दिया, सिलेक्ट हो गए, एंड वी वर्क वेरी हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट, आई होप यू लाइक इट। यस, हाई, माई नेम इज तृष्णा गोस्वामी। आई एम प्लेइंग वन ऑफ द प्राइमरी कैरेक्टर्स, सो ऑल लाइक ऑल ऑफ अस आर प्लेइंग वन ऑफ द प्राइमरी कैरेक्टर्स। आई एम फ्रॉम आमची मुंबई, आई हैव बीन बॉर्न एंड रेस्ड इन मुंबई। Before this, I was working with corporate for around 4 years as a sales manager, and then I was working as an anchor and video producer with a social media platform called Curly Tales. Pandemic ka time chal raha tha, us waqt main kaafi inspirational stories cover kar rahi thi of the people who have built things out of nowhere in their life. You know, people जो रास्ते पर वड़ा पाव बेचते बेचते आज उनका restaurant start हो रहा है. So I think that was very fearful at the same time very inspirational moment for me to take a step that I always wanted to take. I think in my 16-17 year old I would go for audition secretly, and I had also done a show with one episode with V Channel at that point of time, but I was dissuaded. I won't say dissuaded, but I was asked to complete my studies, understand what professional life is like, and then pursue my aspirations. So that happened, COVID happened, and the fear of not living the life that you really wanted to live brought me here. So I am associated with this project now. So this is the first project you have been on initially, you have done another project. I have done short films, but ek jo concrete project hota hai, jisse I can expect a lot of work coming in for me, this is that first project for sure. Yes. So what about you, Avin? You have been the project? I have been associated with a lot of theatre, so I have done a lot of theatre, but this is
officially my first big movie that I have done actually. Particularly, what is the scenario in today's time? A lot of opportunities for the artists. So you have given auditions and seen the environment. So कैसा आपको लग रहा है कि आज के दौर में काम की कमी नहीं है? The thing is that. बेशक काम की कमी नहीं है, बस ये है कि आपका कैरेक्टर उस टाइम में आप फिट हो जाने चाहिए, जो कैरेक्टर उनको चाहिए अगर आप उसमें फिट होते आपको ज़रूर काम मिलेगा। इस वक्त काम की कमी नहीं है बिल्कुल भी, यू जस्ट हैव टू कीप ऑन ट्राइंग एंड यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू। हैविंग एन एनएसडी लेवल, तो व्हाट इज द आपका एक्सपेक्टेशन, बहुत हाई होगा या आगे करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक एक सेटिस्फैक्शन मिलता है आपको जब आप अच्छा काम करते हैं, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। यू शुड बी हैप्पी विद व्हाट यू डू, सो आपको वो एक्साइटमेंट रहती है अंदर से जब आप कुछ अच्छा काम करते हो, आपको अच्छा लगता है। That's what matters the most actually. And as you mentioned about my Rags to Riches story pe apne research kiya. Yes, yes. So what about the industry? Aapko kiska inspired kiya? Nawazuddin Siddiqui hai, bahut log aise jo you know from Rags to Riches hue hain. Actually is a question pe maine kabhi utna thought diya nahi, but if I have to talk about the inspiration, I think all of us who are part of this film, they all are inspirational for me, because these people have been in industry for a very long time. उन्होंने बहुत time डाला है, वो audition करके यहाँ पे आए हैं, and proper audition, not the so-called word audition कि हम audition करने गए. So they have all audition, they have been working in industry for a very long time. So I think when it comes to the people that I have started with, they are very inspirational for me, but otherwise I haven't really given it a thought कि मेरा इंडस्ट्री में इंस्पिरेशन कौन है, बट इफ आई हैव टू से आई थिंक द पीपल दैट आई एम वर्किंग विद आर वेरी इंस्पिरेशनल फॉर मी व्हेन इट कम्स टू द वर्क दे आर डूइंग एंड स्टिल फाइटिंग देयर वे अप बिकॉज ऑफ द यू नो द काइंड ऑफ वर्क पीपल आर गेटिंग एंड द न्यू कमर्स आर नॉट गेटिंग सो स्टिल दे आर होल्डिंग देयर ग्राउंड्स एंड वॉन्टिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड प्रूविंग देमसेल्व्स सो या करेंटली दे आर इन द पाइपलाइन सो आई वोंट कमेंट अबाउट इट बट I'm keeping my fingers crossed. Hopefully, you should see something sooner. No, nothing at all. I have been auditioning. I have been working hard and I have been auditioning. But nothing that has come my way for now. So, yes. Thank you. I had an audition for the role. And I was the last one to audition for the role. And I liked my audition. Something about your background as an artist. How did you settle out and about the initial struggle? Okay, so I started as an assistant choreographer and a dancer for Crimson Award shows, and gradually then I shifted myself from dancing to acting, and I have started with theatre, and after that I did few films in Telugu, in Hindi also, but were not so prominent characters, and after that this is my first film as a prominent character, and yeah, I'm really excited for this. And about the producers and directors who gave you the opportunity, I mean, how was working with them? And it was nice, it was fun working with Sarish, and we had a lots of memories. Or kya bataye abhi bahut sari, ek saal ho gaya actually film shoot karke, and it was really nice, the process was really nice. And lastly, are you working on any other besides or looking for something? Yeah, I am looking for some good roles, but unfortunately I'm not getting in the commercial things. I'm getting the good roles in theaters. So right now I'm a theater person doing commercial theater. Thank you. Thank you.